हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट मतलब जो लाइन में लोगों को बिठाया जाता है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का बेस होता है बिकॉज चाहे हम सर्कुलर uh, ले लें चाहे हम स्क्वायर रेक्टेंगल हैग्जेगनल कुछ भी ले लें जब तक हमें साइड का ही पता नहीं चलेगा तब तो तक हम लोग उस सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व नहीं कर सकते तो अगर लीनियर क्लियर हो जाता है तो आगे वाली सीटिंग अरेंजमेंट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अब इस लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट को हम लोग थ्री पार्ट्स में करेंगे इजी मॉडरेट एंड हाई आपको तीनों सेशन मिल जाएंगे ठीक है तो आज के सेशन में हम लोग इजी वाला करने वाले हैं एकदम प्रीलिम्स लेवल बिल्कुल बेस लेवल जहां से हम लोग फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे ठीक है तो कॉन्सेप्ट हम करेंगे प्रैक्टिस आप करोगे कोर्स से ओके तो दिस इज ए न हो गया ना ओके हम लोग कौन सा करने वाले हैं लीनियर अरेंजमेंट एक होती है सिटिंग अरेंजमेंट्स एक होती है पजल्स पहले हम सिटिंग अरेंजमेंट्स कवर करेंगे फिर हम लोग पजल्स कवर करेंगे अब जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या लीनियर लीनियर का मतलब लाइन लाइन का मतलब बहुत सारे लोगों को हम लोग एक लाइन में ऐसे 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 बिठाना पड़ेगा हमें ठीक है कंडीशंस हमें दी गई होंगी हमें लाइन में लोगों को बिठाना आप देखो जो भी सीटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं पजल्स होती हैं उसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं एक तरीका होता है तीनों दो तीन तरीके जो भी बता दूंगी एक तरीका होता है कि आप सीधा रीड करते करते बनाते चले जाओ जो मैं करती थी ठीक है दूसरा तरीका होता है कि आप लोग क्या करो इन्फॉर्मेशन को सिंबल्स में या फिर डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख लो और फिर उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके सीधा बनाने शुरू कर दो ठीक है दूसरा मेथड ये है तीसरा क्या है मिक्सड ऑफ बोथ दोनों मेथड्स का मिश्रण होता है मैं ये भी अप्लाई करती थी ये भी अप्लाई करती थी अपने जो मैं प्रैक्टिस करती होती थी ना उसमें मैं ये दोनों मेथड्स अप्लाई करती थी सिर्फ इन्फॉर्मेशन और सिंबल्स लिख के मुझसे उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता था बिकॉज आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखो पढ़ते पढ़ते ही बन जाती है ना तो फिर उनको सिम्बल्स और डायग्रामेटिक फॉर्म में क्यों लिखना तो हम लोग यही सीखेंगे कि आपको लिखना कैसे है फिर आप जज करना कि आपको कौन सा मैथड अच्छा लग रहा है आपको मेरे को पता है कि पसंद आएगा ये वाला मेथड, बट क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ना तो इजीली बनता चला जाएगा ठीक है अब ये तो होगा मेथड्स, अब हम लोग डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं कुछ क्योंकि डायरेक्शन समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे तो देखो लाइन में अगर लोग बैठे होंगे तो आपको दो चीजें बोली गई होंगी एक तो नॉर्थ फेसिंग लोग होंगे एक साउथ फेसिंग लोग होंगे क्या बोला जाएगा नॉर्थ फेसिंग होंगे साउथ फेसिंग होंगे नॉर्थ फेसिंग मतलब अभी आप पोजीशन में हो, आपका राइट right हैंड आपका राइट right साइड बन जाएगा आपका लेफ्ट हैंड आपकी लेफ्ट साइड बन जाएगा मतलब दिस विल बी योर राइट साइड एंड दिस विल बी योर लेफ्ट साइड नॉर्थ का मतलब जैसे अभी आप हो योर करंट पोजीशन साउथ का मतलब उल्टा ये आपका लेफ्ट बन जाएगा ये आपका राइट बन जाएगा मतलब योर राइट हैंड विल बी योर लेफ्ट साइड एंड योर लेफ्ट हैंड विल बी योर राइट साइड तो ये डायरेक्शंस का कुछ खेल होता है नॉर्थ को हम डिनोट करेंगे ऐसे अप पैरो से साउथ को हम डिनोट करेंगे डाउन एरो से ठीक है इतना समझ में आ गया ओके अब कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसमें बोलते हैं कि सेकेंड टू द लेफ्ट थर्ड टू द लेफ्ट फोर्थ टू द राइट जब भी ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं कि सेकेंड टू द लेफ्ट थर्ड टू द लेफ्ट उसका मतलब क्या है कि आपको लेफ्ट साइड में सेकेंड या थर्ड पोजीशन पे बंदे को बिठाना पड़ेगा उसने बोल दिया कि ए इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी बी के सेकेंड टू द लेफ्ट में कंसिडरिंग नॉर्थ फेसिंग की बात कर रही हूं तो एक और दो लेफ्ट साइड में दो प्लेसेस बनाए दूसरी प्लेस पे एक को डाल दोगे सेकेंड टू द लेफ्ट का मतलब सेकेंड पोजिशन पे डालोगे लेफ्ट साइड में सेकेंड टू द राइट का मतलब क्या है ये बी बनाया राइट right साइड में दो बनाए ये सेकेंड टू द राइट बन गया राइट right साइड में दूसरी पोजिशन पे जब भी ऐसा कुछ बोला जाए उसी पोजिशन पर डालना है कंसिडरिंग साइड्स अब बोला जाए कि ए एंड बी उन दोनों के बीच में दो लोग हैं देर आर टू पर्सन बिटवीन ए एंड बी तो ए और बी के बीच में पर्सन ऐसे भी बन सकते हैं अगर कुछ दिया नहीं हुआ और ऐसे भी बन सकते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन किसके लेफ्ट और राइट में है ठीक है ये कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स हैं बाकी हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे ना फिर थोड़ा इजी हो जाएगा करना अब एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दू ये जो हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं ना ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं डिस्प्ले कर रही हूँ बट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है हिंदी वालों को क्योंकि हम लोग क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व uh, करेंगे ठीक है तो प्लीज आप लोग स्क्रीन ले लो ताकि फिर आप मेरे साथ साथ कर सको इस चीज को देखो अब क्या बोला गया है कि ए बी सी डी ई और एफ को लाइन में बिठाया गया है स्ट्रेट लाइन में लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है एक और चीज़ यहाँ देखो कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होती है ना उसको आप नो no डाउट जल्दी जल्दी से पढ़ो मैं ये नहीं कह रही इस इन्फॉर्मेशन को या जो भी इन्फॉर्मेशन उसको लेके ही बैठे रहो बट आपको फटाफट से रीड आउट करना है लेकिन सही करना है ऐसा ना हो कि आप इन्फॉर्मेशन में अगर उसने नॉर्थ फेसिंग लिखा है यहाँ पे तो आप साउथ करके बिठा दो या साउथ लिखा है तो आप उसको नॉर्थ कंसीडर कर लो वो गलती नहीं करनी जैसे हम लोग फटाफट से रीड करते हैं ना चीजों को वैसे रीड कर लो बट एक ओवरव्यू ले लो कि हाँ उसने बोला क्या है सही तरीके से पढ़ो अच्छे से पढ़ो ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी के चक्कर में आप गलत पढ़ जाओगे वो भी गलत हो जाएगा फिर ठीक है देखो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं सभी लोग आठ लोग हैं और आगे ये जो होती है हमारी ये इंफॉर्मेशन शुरू हो जाती है यहाँ से कि कौन लोग कैसे बैठे हैं आप अपनी सूझबूझ से बनाओगे तो आप बना सकते हो आप अपना टाइम ले सकते हो और फिर देख लेना कि मैं, मैं कैसे बना रही हूँ फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आपकी अप्रोच क्या थी और मैं कैसे कर रही हूँ एक और चीज होती है कि कई लोग क्या करते हैं बनाते जाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट साथ में इंफॉर्मेशन लिखते हैं और एक ही उसमें केस uh, में सॉल्व कर देते हैं बट ये जो प्रीलिम्स लेवल uh, की पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं इसमें मैं कई बार दो केसेस पैरेलल लेके चलती थी इसलिए लेके चलती थी क्योंकि उसमें एडिशनल इन्फॉमेशन लिखने का कोई पंगा नहीं पड़ता क्योंकि अगर आप दो केसेस लेके चलते हो ना तो आप एक केस में एक कंडीशंस uh, uh, को अप्लाई कर सकते हो दूसरे केस में बाकी कंडीशन को अप्लाई करके कर सकते हो वो चीज़ मैं करती थी और मेरे लिए तो वो एकदम बेनिफिशियल साबित हुई थी उस टाइम पर बट अगर आपको लगता है कि दिस इज़ टेकिंग योर टाइम देखो ये मेरे से भी दो तीन महीने में ऐसा नहीं था कि आप बोलोगे कि बीस तीस दिन में किया मैंने और मेरे को अप्रोच आ गई बट मैं जब दोबारा दोबारा क्वेश्चन करती थी ना सीटिंग अरेंजमेंट्स और पज़ल्स के दो दो केस बना के करती थी जब मैं इकट्ठे पैरल तो मेरे हाथ ही उस तरीके से चलने लग गए थे तो जिस तरीके से आप अपने बॉडी को ढाल लोगे ना वैसे ही ढल जाएगी तो दैट इज़ योर चॉइस मैं आपको करके बताऊँगी मैं कैसे करती होती थी उसने क्या बोला है कि ओनली थ्री पीपल आर देयर बिटवीन एफ एंड ए एफ और ए के बीच में तीन लोग हैं और एफ और ए जो है किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठे मतलब कोने पे नहीं बैठे उनके इधर लाई राइट लेफ्ट कोई ना कोई जना जरूर बैठा होगा अब उसने बोला है तीन लोग हैं एफ और ए के बीच में क्या उसने हमें ये बताया है कि एफ और ए की कौन राइट right में है कौन लेफ्ट में है नहीं बताया तो मैं कैसे करती थी देखो एक केस मैं ले लिया कि एफ लेफ्ट में है एक केस मैंने ले लिया कि ए लेफ्ट में है ठीक है मैं ऐसे ही पैरेलल बना के चलती थी फटाफट से बन जाता था दोनों में से कोई भी कॉर्नर पे नहीं बैठा कोई भी नहीं बैठा आगे देखो ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ए एंड जी ए और जी के बीच में दो लोग हैं कंसीडरिंग हमारे पास टोटल कितने लोग हैं सात लोग हैं सात लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट बिठानी है और ए और जी के बीच में दो लोग हैं देखो ऑलरेडी कितने लोग आ गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह लोग हमारे पास ऑलरेडी आ गए सिर्फ एक की कमी है यहाँ पे अगर मैं बोलू कि मैं जी ए से दो लोग इधर बिठा के जी को बिठा दूं तो यहाँ पे तो हमारे पास टोटल आठ लोग बन जाएगा ना ये वाला केस हमारा नहीं बन सकता जिसमें मैं एक ही इस साइड बनाऊं ठीक है समझ में आपको आ गई अदरवाइज हमारे लोग जो हैं वो एक हो जाएंगे मैं इधर तो बना सकती हूँ दो लोग छोड़े मैंने दो का गैप दिया मैंने किसको बिठाया जी को किसको बिठा दिया? जी को। यहां पे देखो अगर मैं इधर बिठाने चली तो मेरे पास आठ लोग हो जाएंगे जो कि केस हमारा नहीं बन सकता इधर तो बिठा सकती हूँ दो लोगों का गैप दिया जी को मैंने यहां बिठा दिया आगे क्या बोला है? ए और एफ ए और दोनों के साथ ही ई e नहीं बैठा दोनों के साथ ही नहीं बैठा मतलब हाईलाइटर से देखते हैं इसको देखो ए e यहां पे भी नहीं बैठ सकता यहां पे और यहां पे भी नहीं बैठ सकता राइट ई e यहां पे यहां पे नहीं बैठ सकता और यहां पे नहीं बैठ सकता क्योंकि ए और एफ का नेबर नहीं है मतलब पड़ोसी नहीं है तो ई e कहां पे बैठेगा यहां पे या फिर यहां पे? कंसीडरिंग दोनों कंडीशन को हम लोग दोनों कंडीशन पे क्या करते हैं ई e को बिठा देते हैं ठीक है समझ में आ गई तो यहां पे ई e हमारा इधर बैठ जाएगा Wait a second, highlighter चल गया। e हमारा इधर बैठ जाएगा और इधर से देखो तो ई e हमारा इधर बैठ जाएगा सबको समझ में आ गई थर्ड टू ऑफ बी से लेफ्ट साइड में तीसरी पोजीशन पे जाना है कौन मिलेगा ई e मिलेगा बी से लेफ्ट साइड पे तीसरी पोजीशन पे जाना है ई e मिलेगा देखो बी से जाना है मतलब बी जरूर इधर होना चाहिए b से जाएंगे तो b को अगर मैं यहाँ बिठाऊं तो 1 2 3 e मेरे पास आ रहा है यहाँ पे देखो b को अगर मैं यहाँ बिठाऊं तो 1 2 3 e उसके लेफ्ट में आ गया e लेफ्ट में आ गया b इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ a a का नेबर नहीं है केस को करो कैंसिल आउट a का नेबर नहीं बन रहा ना इसमें a से अलग बैठा है तो ये केस हमारा सही हो जाएगा ठीक है आगे देखो ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी ई जो है उसके साथ में सी नहीं बैठ सकता तो सी कहाँ बैठेगा यहां पे बैठेगा बचा हमारे पास कौन है ए बी सी डी तो ये हमारी अरेंजमेंट बन के तैयार हो चुकी है अब देखो लाइन बाई लाइन पढ़ा दोनों केसेस में इम्प्लीमेंट किया कुछ हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे अगर आप सिर्फ एक केस से करते तो फिर आप क्या करते जो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही वो इन्फॉर्मेशन आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखते जाते और फिर आप कंडीशंस कनेक्ट करके बनाते ठीक है आई थिंक दैट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू डू द क्वेश्चन आप पहले ही देख लो दोनों केसेस बना के ही चलो ना कितना टाइम लगेगा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप प्रैक्टिस में चलोगे तो प्रैक्टिस करते करते बहुत इजीली आपको दोनों केसेस बनाने आ जाएंगे ये सर्कुलर में भी काम आता है ये स्क्वायर में भी काम आता है हेक्सागोनल में भी काम आता है लीनियर में भी काम आता है ठीक है बिना कुछ लिखे बिना कुछ किए सीधा सीधा हमने क्वेश्चन बना दिया है फर्दर क्वेश्चन यहाँ, यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि फिर आ, आ, सेशन भी लंबा हो जाता और फिर उसका करने का कोई फायदा भी नहीं होता लेकिन क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वैसे पूछेगा कि ए की सेकेंड टू द राइट में कौन बैठा है तो फिर आप राइट right साइड में जाते वन एंड टू तो फिर आप बोलते हैं मैम ई बैठा है वो पूछ लेता सी और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं तो काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव पांच लोग बैठे हैं इस हिसाब से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो आप जब लोग जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको हर एक चीज इजिली विद इन डिटेल मिल जाएगी ठीक है हम लोग बेसिकली यहाँ पे पजल को सॉल्व करने पर ज्यादा फोकस करेंगे अगला क्वेश्चन देखो आप इसका भी प्लीज एक बार स्क्रीन ले लो खुद से बनाना चाहो तो बना सकते हो दैट्स नॉट एन इशू एंड आई होप आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा नीचे ये है लिखा हुआ है ये आपको अगर दिख रहा है तो है लिखा हुआ इधर सॉरी फॉर दिस ओके समझ में आ गई देखो क्या बोलता है 8 पर्संस हमारे पास हैं जो कि किस में बैठे हैं एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं बट नॉट इमीडिएट बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ व्हाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ ऐसे क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं देखो एक तो होंगे जो बिल्कुल नॉर्थ वाले आएंगे एक होंगे जो बिल्कुल साउथ वाले आएंगे एक ये होते हैं जो मिक्स्ड आते हैं नॉर्थ का केस किया सिमिलर साउथ का केस बनेगा ऑपोजिट डायरेक्शन से ठीक है तो वो केस मैंने इसलिए स्किप किया बट मिक्सड वाला कराना ज्यादा जरूरी है तो इसमें भी आपको साउथ की डायरेक्शन समझ में आ जाएंगी और एक केस बनता है जिसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल होते हैं हमें कुछ दिया नहीं होता वो केस भी करेंगे और पैरल रोज वाला भी करेंगे ठीक है आज हम लोग वन वेरिएबल ही कर रहे हैं प्रिलियम्स की फिर नेक्स्ट मॉडरेट में टू वेरिएबल फिर हाई में थ्री वेरिएबल करेंगे ठीक है तो यहाँ पे कुछ नॉर्थ में बैठे हैं कुछ साउथ में बैठे हैं हमें नहीं पता कौन कौन बैठा है इन्फॉर्मेशन से करेंगे तो समझ में आएगा इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करो देखो एफ सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बी एफ जो है बी के फोर्थ टू द राइट में बैठता है हमें नहीं पता कि बी जो है नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है क्योंकि उसने बोला है दोनों डायरेक्शन यूज हो रही हैं एक में नॉर्थ फेसिंग ले लो एक में साउथ फेसिंग ले लो यहां पे मैं बोलती हूं कि अगर बी नॉर्थ फेसिंग है F उसके फोर्थ टू द राइट में बैठा है वन टू थ्री फोर बिठा दो F को एक में मैं बोलती हूँ साउथ फेसिंग है वन टू थ्री फोर यहाँ क्यों बनाया क्योंकि जब भी आप साउथ में करते हो आपकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाती हैं लेफ्ट साइड राइट बन जाती है राइट साइड लेफ्ट बन जाती है G से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E E से सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन बैठता है G अब देखो आपको ना यहाँ पे लाइंस कनेक्ट करनी पड़ती हैं आप आपके पास यहां पे सिर्फ दो ऑप्शंस हैं बी और एफ बी और एफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से आप आगे बढ़ सकते हो लेकिन जब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो या तो आपको इस लाइन को छोड़ना पड़ता है या फिर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है अगर आप उन लोगों में से हो जिनको ध्यान रह जाएगा कि हाँ ये वाली लाइन मैंने छोड़ी थी मुझे बाद में करनी है जैसे मैं करती थी एग्जाम में मैं दोबारा से पढ़ लेती थी अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना जो करते हैं कि पजल को एक बार पढ़ लो और फिर हम लोग उसी में सॉल्व कर लें दोबारा पढ़ने का मौका ना मिले लेकिन अगर आप कोई लाइन बीच में छोड़ते हो आपको ध्यान है कि मैंने छोड़ी थी तो फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा मैं ऐसे कर लेती थी बट आई विल टेल यू एनदर ऑप्शन जो आप कर सकते हो जो फीजिबल भी है आप क्या करोगे साइड में इंफॉर्मेशन लिख लो जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई ठीक है जी जो है ई e के सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठा है ठीक है तो आप ऐसे एरो लगा के सेकेंड द लेफ्ट में कर लो बट डायरेक्शंस आपको नहीं पता तो डायरेक्शंस भी यहाँ पे मैंने कुछ लगाई नहीं मैंने जस्ट एक जर्नल ओवरव्यू रखा है कि जी ई e के लेफ्ट में बैठा है वो नॉर्थ फेसिंग भी हो सकता है साउथ फेसिंग भी हो सकता है एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एच जो है बी के साथ नहीं बैठा तो एच और बी को लिख के क्रॉस भी लगा सकते हैं पर्सन सिटिंग एट एन एक्सट्रीम एंड फेस द सेम डायरेक्शन एक्सट्रीम एंड्स वाले सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं तो बस एक्सट्रीम लिखो सेम लिखो और आपका काम बन जाएगा आगे देखो द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए द सेम डायरेक्शन एज जी ए के जो भी नेबर्स हैं ए के जो भी नेबर्स हैं इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है जी के जैसी है तो डायरेक्शन किसके जैसी है जी के जैसी है ओनली थ्री पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी ए और सी के बीच में सिर्फ तीन लोग बैठे हैं तो ये ए हो गया वन टू थ्री सी हो गया एरो लगा दो राइट लेफ्ट आपको नहीं पता है एच फेस इज नॉर्थ एच जो है नॉर्थ फेसिंग है तो यहां पे लगा सकते हो हिंट रखने के लिए कि एच नॉर्थ फेसिंग है बोथ ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी फेस सेम डायरेक्शन जी के जो दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं अब देखो जी के मान लो ये दो नेबर्स हैं तो इनकी डायरेक्शन क्या है सेम है इसको मैं आपको करने का एक और तरीका बताऊंगी इसके बाद ठीक है जी थर्ड टू द राइट ऑफ बी बी के थर्ड टू द राइट में कौन बैठ रहा है जी बैठ रहा है तो बी के थर्ड टू द राइट में वन टू थ्री बैठ जाएगा यहां से ये साउथ फेसिंग है तो इधर बैठेगा वन टू एंड थ्री समझ में आ गया अब ये वाला ले सकते हैं जी किसके सेकंड टू द लेफ्ट में है ई e के अगर ई e के सेकेंड टू इधर से भी बन सकता है इधर से भी बन सकता है तो उसको कैंसिल नहीं करते एक बार हमें डायरेक्शन ई e की नहीं पता कोई बात नहीं सी फेसेस फेस करता है तो हम लोग सी के आगे क्या लिख देते हैं साउथ लिख देते हैं आगे देखो बी एंड एफ डजेंट सिट एट एक्सट्रीम एंड्स दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं है मतलब इधर और इधर डेफिनेटली कोई ना कोई बैठा है एस इट से वन ए सैकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ एफ के लेफ्ट में कौन बैठा है ए बैठा है एफ तो ये रहा ए को बिठा दो अब अब ये तो आपको नहीं पता कि ए जो है राइट में बैठेगा या फिर लेफ्ट में बैठेगा देख लेते हैं हम लोग कितने लोगों को बिठा चुके हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सिर्फ एक की कमी है तो ए हमारा इधर भी बैठ सकता है ए हमारा इधर भी बैठ सकता है तो नहीं बनेगा ना यहां से तो हम लोग लिख के छोड़ देते हैं कि एफ के सेकेंड टू कौन है ए है तो यहां पर डायरेक्शन नहीं पता इसलिए मैंने left नीचे लिख दिया ऑफ द इमीडिएट का जो एक इमीडिएट नेबर है वो नॉर्थ फेसिंग है अब ये तो देखो इसका तो डायग्राम नहीं बना सकते कोई बात नहीं छोड़ो इसको बाद में पढ़ लेंगे बी एंड एफ ऑपोजिट डायरेक्शन बी और एफ ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रही हैं तो ये लो ऑपोजिट हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई अब बनाना शुरू करते हैं ये वाला उठा सकते हैं A जो कहा एंड टू इधर से भी लेफ्ट में कहा बनेगा वन एंड टू बन गया लेफ्ट उधर हो जाएगा ना साउथ फेसिंग है और हमारा ए और सी वाला था ए और सी के बीच में तीन लोग हैं और सी साउथ फेसिंग है ठीक है साउथ फेसिंग साउथ फेसिंग अब एच और बी साथ में नहीं है एच और बी साथ में नहीं है तो एच यहां आ जाएगा एच और बी साथ में नहीं है एच यहां आ जाएगा और एच नॉर्थ फेसिंग है इतना सबको समझ में आ गया और कौन सा कनेक्ट कर सकते हैं जी ई e के सेकेंड टू द लेफ्ट में है ई e के सेकेंड टू द लेफ्ट में अगर मैं साउथ बनाना चाहूं तो ई e को यहां होना चाहिए था फिर जी उसके सेकेंड टू द लेफ्ट में होता, नहीं बनेगा नॉर्थ में बना दो ई e के नॉर्थ पोजीशन बनाया सेकेंड टू द लेफ्ट कौन आया जी आया यहां से देखो नॉर्थ में नहीं बना सकते ई e को अगर हम साउथ में बनाएंगे सेकेंड टू द लेफ्ट कौन आ जाएगा जी आ जाएगा अब हमारे पास क्या है एक्सट्रीम अभी नहीं बना सकते जी के दोनों जो वो है नेबर्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है सेम है जी के दोनों नेबर्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए इधर एक साउथ है इधर एक नॉर्थ है गलत हो गई कंडीशन ये वाली कंडीशन हमारी सही बनेगी क्योंकि जी के ये दोनों नेबर्स की पोजीशन क्या है साउथ फेसिंग है समझ में आ गया ये केस कैसे कैंसल हुआ अब देखो ए के दोनों नेबर्स की डायरेक्शन किसके जैसी है जी के जैसी अब ए का तो एक ही नेबर है ए का तो यही नेबर है इसकी डायरेक्शन अगर नॉर्थ है और इसकी डायरेक्शन जी के जैसी है मतलब जी भी नॉर्थ फेसिंग हो गया इसको भी कट कर दो अब कौन सा बचा है हमारा ये वाली लाइन छोड़ी थी वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच एच फेसेस नॉर्थ का एक नेबर नॉर्थ फेस करता है तो एच का एक नेबर तो साउथ कर रहा है मतलब ए क्या करेगा नॉर्थ फेस करेगा और यहां पे लिखा था जो एक्सट्रीम एंडस पे बैठे हैं उनकी पोजीशन क्या है सेम है मतलब ये भी नॉर्थ फेसिंग है हमारे पास बचा कौन सा डी तो एक बार आप प्लीज इसको देख लीजिए बड़े आराम से कि क्या आपको इतना समझ में आ गया जो भी अरेंजमेंट मैंने बनाई है जैसे बनाई है आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आई हैव गिवन यू द टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी देख लो क्या चीज समझ में नहीं आ रही है और केसेस मैंने कैसे कैंसिल आउट किए हैं ठीक है समझ में आ गया अब एक बार दूसरा तरीका भी बता देती हूँ बिकॉज फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसको जिस तरीके से बनाना है उस तरीके से आप लोग बना सकते हो ठीक है ये हम लोग बने रहने देंगे इसके साथ साथ में बनाना शुरू कर देंगे ठीक है ओके डन फिर से करेंगे स्टार्टिंग से एफ सेट फोर्थ टू द राइट ऑफ बी एफ जो है बी के फोर्थ टू द राइट में है तो बी हमें नहीं पता नॉर्थ फेसिंग है साउथ फेसिंग है पहले नॉर्थ बना लो वन टू थ्री फोर एफ आ गया अच्छा फोर्थ टू द राइट है ना एफ आ गया ठीक है अब अगला केस देखो जिसमें हम लोग साउथ फेसिंग बनाएंगे बी को यहां बना देते हैं साउथ फेसिंग वन टू थ्री फोर एफ हमने यहां पे लगा दिया अगली लाइन देखो G और E से कनेक्टेड है अगली H से कनेक्टेड है आपको दिख रहा है यहां पे हम लोग कोई भी कंडीशन से पढ़ते चले जाओगे आपको समझ में आएगा कोई भी हमारे पास ऐसी लाइन नहीं आ रही जिससे हम लोग ये दोनों चीजें सॉल्व कर सके तो आप स्मार्ट ट्रिकअप बनाओ आपको ये पता है कि मुझे बिना कुछ लिखे करना है तो नीचे वाली लाइन से शुरू हो जाओ नीचे वाली लाइन से शुरू हो जाओ जहां आपको दिख रहा है कि बी और एफ से मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है अब मुझे पता है यहाँ पे इधर बोला गया है कि जी सिक्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी मुझे दिख गया क्वेश्चन में जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी तो क्या मैं यहां से बना नहीं सकती मैं बना सकती हूँ बी अगर बी से राइट में बनाना है तो नॉर्थ फेसिंग है तो वन टू एंड थ्री जी यहाँ पे आ जाएगा अगर इधर से बनाऊंगी तो वन टू एंड थ्री जी हमारा यहाँ पे आ जाएगा मैंने जी को भी लगा दिया ये लाइन भी कंप्लीट हो गई अब देखो हमारे पास और कौन सा आएगा बी और एफ जो है किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठे मतलब यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन आएगा ठीक है समझ में आ गई अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो आपको पता लग सकता है कि मैंने कौन सी लाइन छोड़ी है कौन सी नहीं छोड़ी है तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो अब आप बोलोगे कि मैम क्वेश्चन में तो हमारी स्क्रीन पे होगा स्क्रीन के ऊपर ऐसे थोड़ी मार्कर्स लगाएंगे लेकिन दिमाग में तो मार्किंग लगा के रख सकते हो ना कौन सी लाइन छोड़ी है कौन सी नहीं छोड़ी है है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखोगे ना पक्का बनेगा ट्रस्ट मी बी और एफ का बना दिया अब देखो यहाँ पे हम लोग लो, और कौन सी लाइन पुट कर सक, और कौन सी ओ, लाइन ले सकते हैं बी और एफ जो है ऑपोजिट डायरेक्शन वो साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा वो नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा और उसने बोला ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ एफ के सेकेंड टू द लेफ्ट में ए है इधर से देखो तो ए यहां बनेगा इधर से देखो तो सेकेंड टू द लेफ्ट ए हमारा यहां बन जाएगा हमारे आठ लोग पूरे हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसके अलावा कोई लोग यहाँ पे नहीं आ सकते ठीक है अब अब यहां तक हमने बनाया ऊपर से हम लोग कुछ ना कुछ देख सकते हैं देखो जी टू द लेफ्ट ऑफ ई अब ई e से देखना ई e हमारा यहाँ पे भी बन सकता है ई e हमारा यहाँ पे भी बन सकता है क्लैरिटी नहीं है छोड़ दो एच इज नॉट एन इमिडियट नेबर ऑफ बी एच जो है बी का इमीडिएट नेबर नहीं है मतलब एच यहाँ पे भी आ सकता है यहां पे भी आ सकता है इधर से देखो तो एच यहां पे भी आ सकता है यहां पे भी आ सकता है क्लियर ओके पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसिस सेम डायरेक्शन डायरेक्शन हमें ए की नहीं पता इसलिए इसकी भी नहीं पता चल सकती देयर आर थ्री पीपल बिटवीन ए एंड सी ए और सी के बीच में तीन लोग हैं, बन सकता है वन टू एंड थ्री सी बन गया वन टू वन थ्री C बन गया C यहाँ बना तो H यहाँ बन जाएगा C यहाँ बना तो H कहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे अब देखो यहाँ पे आपको बोला गया था कि कौन uh, H जो है B का नेबर नहीं है इधर से एक लाइन uh, में आया था ना वेट अ सेकेंड हाँ एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एच बी का इमीडिएट नेबर दोनों में नहीं बना

आगे देखो और हम कौन सा देख सकते हैं इमीडिएट नेबर्स ऑफ़ ए सेम डायरेक्शन एस जी जी के सेम डायरेक्शन में ये भी नहीं अभी कर सकते हैं एच नॉर्थ एच फेस करता है H को नॉर्थ फेसिंग करा देते हैं अब कर सकते हैं इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस सेम डायरेक्शन एस जी अगर ए का नेबर एच है उसने नॉर्थ देख रहा है तो जी भी किस में देखेगा नॉर्थ में ए का नेबर एच है नॉर्थ फेसिंग है तो जी भी किस में देखेगा नॉर्थ में आगे देखो बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी फेसेस सेम डायरेक्शन जी के दोनों नेबर्स सेम डायरेक्शन फेस करेंगे ये साउथ है तो ये भी साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा क्लियर समझ में आ गया आगे पढ़ लेते हैं सी फेसेस साउथ सी साउथ फेस कर रहा है इधर तो सी नॉर्थ फेस कर रहा है पूरा का पूरा केस कैंसिल करो इधर सी साउथ फेस कर रहा है दिस केस इज करेक्ट ए बी सी डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा अब कौन सी लाइन बच रही है हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं A is second to the left of F. One of the immediate neighbors of H faces वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच फेसेस नॉर्थ एच का कोई एक नेबर है जो नॉर्थ फेस कर रहा है ये साउथ फेसिंग है तो ये कौन सा हो गया नॉर्थ फेसिंग और दोनों जो एक्सट्रीम एंड्स में बैठे हैं सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं मतलब हमारा ये वाला अरेंजमेंट भी सेम तरीके से बन गया है अब देखो हमने क्या किया सिर्फ हमने लाइन्स उठाई हमने कुछ लिखा नहीं हमने लाइंस उठाई हमने कुछ लिखा नहीं मैंने आपको दोनों मेथड से करके बताया लिख के भी कैसे करना है और बिना लिखे भी कैसे करना है आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको मेथड जो है अडेप्ट करना आएगा ठीक है जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दिस इज अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल पर्सन इसमें हमें ये नहीं पता कि कितने लोग बैठे हैं हिंदी वाला प्लीज हिंदी वाले प्लीज स्क्रीन इसका ले लीजिए फिर हम लोग क्वेश्चन जो है इंग्लिश में सॉल्व करना शुरू कर देंगे एंड

एक बार ए को लेफ्ट में रख दो एक बार बी को लेफ्ट में रख दो गया बी गया ए ठीक है आगे बढ़ो केस इट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए ए नॉर्थ फेसिंग है सभी नॉर्थ फेसिंग है वन टू थ्री फोर यहां से देखोगे तो वन टू थ्री फोर समझ में आ गया फोर पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी हु सेट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो हु का मतलब बाद वाला एंड का मतलब पहले वाला हु दिया है मतलब जी के बारे में बात कर रहे हैं बी और जी के बीच में कितने लोग हैं चार लोग हैं और जी एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है अब यहां पे देखो एक दो तीन चार लोग हैं ना तो इसको बना देते हैं चार और जी हमारा यहाँ पे एंड पे बैठ गया अब जी मैंने इधर क्यों नहीं बिठाया बिकॉज वन टू थ्री फोर जी को हम यहाँ बिठाते हैं और ये कोई एंड नहीं है ये मिडल ऑफ द लाइन है ठीक है इधर से देखो तो इधर तो नहीं बिठा सकते वन टू थ्री फोर ये भी मिक्स हो रहा है बीच में हम लोग जी को यहाँ बिठा देंगे चार लोग हमारे बीच में बैठ गए हैं आगे देखो एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी बी के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है एच है अगर मैं यहां से देखूं तो वन टू एंड थ्री एच आ जाएगा वन टू एंड थ्री एच आ जाएगा थर्ड टू द लेफ्ट हो गया आगे बढ़ते हैं टू पर्सन बिटवीन जी एंड पी जी और पी के बीच में दो लोग हैं और जी एक्सट्रीम एंड पे है याद रखना मतलब सारे के सारे लोग इधर बनेंगे क्योंकि ये तो एंड ही आ गया दो पर्सन छोड़ के पी आ गया इधर भी एंड है तो दो पर्सन छोड़ के पी आ गया समझ में आई बात आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए आर जो है ए की थर्ड टू द राइट में है अब यहां पे देखो वन टू थ्री आर यहां पे आ जाएगा वन टू थ्री आर यहां पे आ जाएगा बन गया राइट पे नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट टू P इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट टू द ए जितने लोग पी की लेफ्ट में हैं उतने ही एक ही राइट में है पी की लेफ्ट में दो हैं तो ए की राइट में दो होंगे पी की लेफ्ट में तीन हैं ए की राइट में तीन होंगे पी की लेफ्ट में चार हैं ए की राइट में चार होंगे देख लेते हैं पी की लेफ्ट में जितने हैं उतने ही ए की राइट में हैं। ये तो हमारा एंड है तो हम ए की राइट गिन लेते हैं पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन चौदह लोग ए की राइट में है मतलब चौदह ही पी की लेफ्ट में होने चाहिए गिन लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन यहाँ तो पंद्रह लोग आ गए मतलब ये वाला केस कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा और ये हमारा एंड था तो इसके इधर कोई भी पर्सन नहीं बन सकता ये केस हमारा कैंसिल आउट हो गया अब एक केस कैंसिल आउट हुआ मतलब दूसरा तो सही बनेगा ही बनेगा फिर भी चेक कर सकते हो पी की लेफ्ट में एक दो तीन है ए की राइट में भी एक दो तीन तीन लोग बन चुके हैं आगे क्या बोलता है ओनली राइट लेफ्ट नहीं पता तो एक छोड़ के एम हमारा यहां भी आ सकता है एक छोड़ के एम हमारा यहां पे भी आ सकता है टी सिट फोर्थ टू में दी है तो यहां से देखो इस वाले से कंसिडर करो तो वन टू थ्री t यहाँ पे बनेगा इस वाले से कंसीडर करूँ तो 1 2 3 t यहाँ पे बनेगा मतलब क्या है ये इसके साथ है और ये बिना डब्बे वाला इसके साथ है क्लियर मोर देन 2 पर्संस इट बिटवीन h एंड t h और t के बीच में दो से ज्यादा है। अगर मैं t को यहाँ बिठाऊंगी तो सिर्फ एक पर्सन बैठेगा ये केस कैंसिल ये केस कैंसिल तो ये भी केस कैंसिल t यहां पे m यहां पे समझ में आ गई M ही हैटेन नंबर ऑफ पीपल अरेन्जमेंट जिसमें हमें स्टार्टिंग में नहीं दिया होता कितने लोग है क्लियर है यहां तक मैं एक बार साइड हो जाती हूँ किसी को स्क्रीन शॉट लेना है तो आप प्लीज ले सकते हो ओके सो दिस इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन पैरेलल रो अरेंजमेंट का है ये लास्ट में है लिखा हुआ है किसी को नहीं दिख रहा है तो आप एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इसका हिंदी वाले फिर हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी देखो क्या बोलता है बारह लोग बैठे हैं दो रोज में अब यहाँ पे पैरेलल रो में क्या होता है एक रो ऊपर होती है एक रो नीचे होती है इस तरीके से होती है और अगर ऊपर वाली रो में छः लोग हैं या पांच लोग हैं नीचे वाले में भी पांच हैं प्री लेवल की बात कर रही हूं ये सारे के सारे एक दूसरे के आमने सामने होंगे ठीक है एक रो बोलेगा साउथ फेसिंग है एक रो बोलेगा नॉर्थ फेसिंग है तो जब भी बोले कि साउथ फेसिंग है साउथ फेसिंग वाली रो हमेशा ऊपर आएगी और नॉर्थ फेसिंग वाली रो हमेशा नीचे आएगी बिकॉज साउथ का साइन हम कैसे लगाते हैं ऐसे नॉर्थ का साइन कैसे लगाते हैं ऐसे और अगर ऐसे और ऐसे ही लगाएंगे तभी तो वो एक दूसरे को देख पाएंगे ना अगर मैं साइन ही उल्टे कर दूं इनके मुंह ही उल्टे कर दूं तो, तो इनको इनकी पीठ दिखेगी ना फिर एक दूसरे को फेस कैसे करेंगे साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे और सारे के सारे लोग एक दूसरे के सामने बैठते हैं क्लियर अब देखो क्या बोलता है बारह लोग बैठे हैं दो रोज में कंसिस्टिंग सिक्स पर्सन इन ईच रो लोग एक रो में बैठे हैं ईच पर्सन इन वन रो इज फेसिंग साउथ एंड द अदर रो ईच पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ एक रो साउथ फेसिंग वाली है दूसरी नॉर्थ फेसिंग वाली है ईच पर्सन इज द रो इन द रो फेस इज अ पर्सन फ्रॉम द अदर रो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं जे के एल एम एन ओ वाली लाइन जो है वो नॉर्थ फेसिंग है और पी क्यू आर एस टी वाली लाइन जो है यू तक वो कहा है साउथ फेसिंग है मतलब पी क्यू आर एस टी यू ऊपर आएंगे जे के एल एम एन ओ नीचे आएंगे समझ में आ गया और आगे हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है देखो इसको बनाते कैसे हैं स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन से क्यू इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एम क्यू उसको फेस कर रहा है उस पर्सन को फेस कर रहा है जो एम की फोर्थ टू द राइट में है एम की फोर्थ टू द राइट सबको बनानी आती है एक दो तीन चार ये जो पर्सन है इसको कौन फेस कर रहा है क्यों अब उसने बोला सभी पर्सन एक दूसरे के आमने सामने है मतलब हमारी यहाँ पे चार लोगों की तो डेफिनेटली पांच लोगों की एक दो तीन चार पाँच पांच लोगों की अरेंजमेंट हमारी डेफिनेटली यहाँ पे क्या हुई है बन चुकी है जहां तक आपको दिख रही है क्योंकि हर एक पर्सन किसी ना किसी पर्सन को क्या करेगा फेस करेगा थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जे एंड एम ये जे है हमारा दिख नहीं रहा है पेन आ गया यहाँ पे ये जे है हमारा थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जे एंड एम जे और एम के बीच में तीन लोग हैं कंसीडरिंग एक रो में छह ही लोग हैं ये एम है इधर बनाना चाहूं वन टू थ्री इधर जे लिखू तो क्या यहां बन सकता है नंबर ऑफ पर्सन एक्सीड हो गए नहीं बन सकता एक दो तीन जे हमारा कहाँ बन जाएगा इधर बन जाएगा वाई ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड यू Q और यू के बीच में सिर्फ दो लोग हैं अगर मैं इधर से देखूं दो लोग छोड़ के यू लिख दूं तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ लोग हो गए जबकि छे होने चाहिए इधर नहीं बनेगा एक और दो यू हमारा कहा बन जाएगा यहां जाएगा इतना सबको क्लियर है एक बार अच्छे से देख लो ठीक है एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू एस जो है क्यू का इमिडियट नेबर नहीं है मतलब एस उसके साथ में नहीं बैठेगा ना तो एस इधर आ सकता ना ही एस इधर आ सकता लिख सकते हैं डबल केस बनाने की के जरूरत नहीं है पी इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द extreme ends बट इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल जो एल के इमीडिएट लेफ्ट में है उसको पी फेस कर रहा है मतलब एल के इमीडिएट लेफ्ट में कोई पर्सन है उसके सामने कौन बैठा है पी बैठा है लेकिन पी किसी एंड पे नहीं बैठा कोई बात नहीं अगर मैं यहां से देखूँ किसी एंड पे नहीं बैठा यहाँ तो पी को नहीं बिठा सकते मैं बोलूँ यहाँ पे छह लोग कर देते हैं तो यहां तो पी को नहीं बिठा सकते वैसे भी बैठ ही नहीं सकता क्योंकि एल के लेफ्ट में बैठेगा इधर तो कोई पर्सन आ ही नहीं सकता इसके अकॉर्डिंग ठीक है यहां पे देखो एल यहां पे बनाओ पी यहां पे बन जाएगा एल के इमीडिएट लेफ्ट वाला पी को फेस कर रहा है ठीक है एल यहां पे बनाओ पी यहां नहीं आ सकता एल यहां पे बनाओ पी यहां पे आ सकता है कंसीडरिंग मैं यहां पे भी एक एक का गैप दे दूं कंसीडरिंग मैं भी यहाँ पे एक एक परसेंट बिठा दूँ क्योंकि पी जो है वो किसी भी एंड पे नहीं बैठा क्या पी से रिलेटेड हमें और कुछ बोला गया है ना पी से रिलेटेड बोला गया बट एल से रिलेटेड बोला गया है एल इज़ नॉट एन इमिडियट नेबर ऑफ़ एम तो यहाँ से केसेस हम कैंसिल आउट कर सकते हैं एल हमारा यहाँ पे आ ही नहीं सकता एल हमारा कहाँ नहीं आ सकता यहाँ पे आ ही नहीं सकता मतलब पी के लिए एक ही जगह बची और एल के लिए भी एक ही जगह बची वो जगह कौन सी थी एल हम यहाँ बना दें पी हम यहाँ पे बना दें बाकी केसेस चेक किए ना हमने आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो के इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन बट नॉट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स के जो है एन के थर्ड टू द लेफ्ट में है एन के थर्ड टू द लेफ्ट में है लेकिन किसी भी एंड पे नहीं है अगर मैं इधर से देखूं बट नॉट किसके बारे में बात की गई है K के बारे में बात की गई अगर हु होता तो एन होता के किसी भी एंड पे नहीं है और एन के थर्ड टू द लेफ्ट में है अगर मैं बोलूं एन यहां पे बिठा दूं। ठीक है? One, two, three. K टू थ्री आ जाएगा third to the, अच्छा third to the left, south facing है ना रुको साउथ फेसिंग है ये डायरेक्शन उल्टी जाएगी अगर मैं एन को यहां पर बिठाऊं, तो वन टू थ्री के यहाँ पे बन सकता है बन सकता है ठीक है अगर मैं इधर बिठा दूं एन को तो वन टू थ्री यहां तो पी ऑलरेडी के नहीं बन सकता था और कौन सा केस मैं यहां पे ले सकती हूँ कोई स्पेस खाली नहीं थी अगर मैं एन को यहां बिठाती तो आगे वो नहीं जा सकता था मतलब एक ही केस बन रहा है जिसमें एन को हम यहां बिठा सकते हैं और के को हम लोग इधर बिठा सकते हैं क्लियर समझ में आ गई आर इज नॉट फेसिंग एन आर जो है एन को फेस नहीं कर रहा आर तो एन को हमने फेस वैसे भी नहीं कराया एम इज फेसिंग एन आर तो एन को फेस नहीं कर रहा मतलब एक मिनट एन कौन सी लाइन में आएगा एन तो नॉर्थ में आएगा ना उल्टा बना दिया ना मैंने वेट अ सेकेंड एन नॉर्थ वाली डायरेक्शन में आएगा नॉर्थ में चेक कर दिया मैंने साउथ में चेक कर लिया कोई बात नहीं यहां से देखो के की थर्ड टू द लेफ्ट में एन है अगर मैं एन यहां बना दूंगी वन टू थ्री के यहां पे आ सकता है अगर मैं एन यहां पे बना दूंगी तो वन टू थ्री के यहाँ पे आ सकता है क्या एक दो तीन चार आ सकता था दोनों केसेस पॉसिबल है है लेकिन उसने बोला था K जो है, वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है तो दैट मीन्स केस कौन सा हमारे पास पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ ये वाला सिर्फ और सिर्फ ये वाला केस पॉसिबल है जिसमें के जो है वो एंड पे नहीं बैठा है आगे देख लेते हैं नहीं आ सकता एस एन दोनों पे नहीं आ सकता एस यहाँ पे आ जाएगा आर यहाँ पे नहीं आ सकता आर यहाँ पे आ जाएगा तो पी क्यू आर एस टी इधर आ जाएगा एम एन जे के एल एम एन ओ यहाँ पे हमारा आ जाएगा आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा हमने सिंगल केस में ही बना लिया बिकॉज हम लोगों ने लाइंस उस तरीके से पढ़ी थी जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सके और केसेस भी चेक कर लिए आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ गई होगी एक बार मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीन लेना चाहो तो ले सकते हो खुद से बनाना चाहो तो फिर आपको हेल्प मिल जाएगी कि सोल्यूशन आपके पास होगा तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे चारों टाइप के क्वेश्चन आई गेस हो चुके हैं अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टू वेरिएबल वाली करेंगे या फिर मेन्थ uh, एग्जाम में जो आती है या फिर या फिर कभी कभी प्रीलिम्स में भी आ जाती है जैसे आर में आ जाती है एस में कभी कभी देखने को मिल जाती है तो वो वाले क्वेश्चन करेंगे बेसिकली मेन्स लेवल क्लर्क मेन्स लेवल रहेगा फिर आगे हम लोग पी ओ लेवल करेंगे तो आज के सेशन में इतना ही था एंड प्रैक्टिस कर लेना पी कोर्स से आपको प्रोवाइडेड है एंड अच्छे से प्रैक्टिस करना डाउट्स के लिए आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि क्या करना है बाकी जो भी इंटरेस्टेड हो पीडीएफ कोर्स लेने में वो ले सकता है एंड एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ किसी को भी टेक्निकल डाउट्स हैं आपका टेस्ट नहीं खुल रहा है पीडीएफ कोर्स नहीं खुल रहा है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो मेरे से कोई क्वेरी पूछनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर डी कर सकते हो और ये हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं हमारा टेलीग्राम चैनल है आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का पहला चैप्टर हमने कर लिया है आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड आई एल बी सीन यू इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन Stay happy, stay blessed, keep smiling.